यार कुछ ऐसा ट्रिक बता देना यार जिससे कि मैं अपने चैनल का 4000 आर का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकूं। यार बहुत दिन हो गया मेरे चैनल का बट यहाँ पे 4000 आर का वॉच टाइम ही कंप्लीट नहीं हो रहा। कुछ ऐसा तेरे पास ट्रिक है? अच्छा तो तुमको वॉच टाइम बढ़ाने का टिप्स चाहिए? हाँ हाँ भाई अगर तेरे पास कुछ है तो बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। ओके ओके हाँ तो मेरे पास टिप्स तो काफी सारा है वॉच टाइम बढ़ाने का, लेकिन तुमको मैं 2-3 को बता दे रहा हूँ, ठीक है? तुम अगर इसका यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम सबसे पहले अपना चैनल पर कम से कम तो मिनिमम 20 मिनट तक का वीडियो अपलोड करो। हाँ, और तुम एक दिन में कम से कम 7-8 वीडियो अपलोड करो तो जाकर के तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। और बताओ ना यार, और याद रखना कि तुम्हें कम से कम जो वीडियो का लेंथ है वो कम से कम 20 मिनट रहना चाहिए। 20 मिनट से ज्यादा हो तो अच्छा है, 20 मिनट से कम का वीडियो मत बना। अच्छा लंबा वीडियो अपलोड करना है। और एक दिन में कम से कम 8 वीडियो अपलोड करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। जाओ तुमको एक नंबर टिप्स दे दिया। तो अगर आप लोग YouTube में सर्च करते हो हाउ टू कंप्लीट 4000 आवर वॉच टाइम तो आप लोगों के सामने काफी सारे ऐसे वीडियोस आ जाएंगे। हर एक वीडियो में आपको एक ही चीज बताया जाएगा कि अगर आप लोग को 4000 आवर का वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट करना है तो आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये उठता कि अगर हम लोग अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दे लगभग 15 मिनट 20 मिनट तक का वीडियो तो क्या हम लोग का चैनल पर 4000 आवर का वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा? अभी आज की इस वीडियो में आप लोग इसका भी आंसर दूंगा। साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जिसका अगर आप लोग यूज करते हो और इस वीडियो का अगर आप लोग एंड तक देख लेते हो तो काफी हद तक आप लोग अपना यूट्यूब चैनल पर 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। एंड दोस्तों मेरा अपना एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपने चैनल पर कैसे 4000 आवर को वॉच टाइम कंप्लीट किया था एंड मैं अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करवाया था, वो सारा कुछ मैं आप लोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल आज का ये वीडियो होने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। सो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं कि काफी सारे ऐसे यूट्यूबर जो बताते हैं कि अगर आप लोग अपने चैनल पर 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। सरासर ये गलत है। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ वो चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों आपका कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने वाले हो। अब मान लीजिए कि आपका वो वीडियो कम से कम 5 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आपका वो वीडियो 5 मिनट का बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप बड़ा वीडियो बनाने के लिए, लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए आप कुछ भी उठपटांग से उस वीडियो में बको गई तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो जितना भी व्यूअर आएगा उस वीडियो पे सारा बोरिंग फील करेगा, ठीक, 30-40 सेकंड देखेगा एंड उस वीडियो कट कर देगा। तो फिर आपका 20 मिनट तक का वीडियो बना करके फायदा क्या? अगर कोई भी आपका ऑडियंस कम से कम 50% भी वीडियो को नहीं देखता है, कम से कम तो 5 मिनट भी नहीं देखता है, तो फिर आपका 20 मिनट का वीडियो बना करके फायदा क्या? तो यहाँ पे सरासर ये बात तो बोलना गलत है कि अगर आप लोग अपने चैनल पर 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो आपका कभी भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी आप उठपटांग से वीडियो में डालते रहोगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हो और आप जो वीडियो बना रहे हो उस वीडियो पर कोई भी अच्छा एडिटिंग नहीं रहता है तो आपका वीडियो चलने वाला नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आप लोग को ऐसे स्क्रीन पर आप लोग का टेक्स्ट नजर आ रहा है या फिर कुछ भी वीडियो फुटेज नजर आ रहा है जिससे कि आप लोग बोरिंग फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यही चीज को मैं अगर इसी तरह का मैं जो ऐसे बोल रहा हूं मेरा ही सिर्फ फेस दिखेगा तो शायद आप लोग एक टाइम बोर हो जाओगे, 1-2 मिनट देखने के बाद इस वीडियो को बोर हो जाओगे एंड आप लोग इस वीडियो को स्किप कर दोगे, इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये चीज भी ध्यान रखना है कि आप लोग जो वीडियो बना रहे हो उसमें थोड़ा अच्छा एडिटिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग कैसे 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोग जैसे कि बताया कि आप लोग लॉन्ग वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी आप लोग को वीडियो के अंदर बकना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग जल्दी से अपने चैनल पर 4000 आवर को वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग को ये ट्रिक अपने चैनल पर लागू करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग जैसे कि पता होगा कि यहाँ पे आप लोग को अगर आप लोग का चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाता है तो आप लोग अपने चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो डायरेक्टली आप अपने चैनल से, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि अगर आपका व्यूज आ जाता है ठीक ठाक, ठीक है, लाइक जैसे कि 300-400-500-1000 तक अगर आपका चैनल पर व्यूज आ जाता है तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है हर वीक में हो या फिर 3 दिन बाद आपको एक बार अपने चैनल पर लाइव आना है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप जितना भी देर तक लाइव करोगे जितना भी आपका बंदा उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखेगा उसका तो वॉच टाइम गिनेगा ही
प्लस आपका उस वीडियो को जब आप पब्लिक कर देते हो लाइव वीडियो को, तब भी आपका अगर कोई भी व्यूअर उस वीडियो को देखता है, यानी वो एक वीडियो बंद करके पब्लिक हो जाता है, फिर उस वीडियो को कोई भी अगर आपका देखता है तो उसका भी वॉच टाइम काउंट होता है, यानी आपका काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है लाइव करने से। तो सबसे पहला चीज आपको अपने चैनल पर लाइव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का आप लोग ध्यान रखना है कि अगर आप लोग लाइव करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने लाइव कर दिया और लाइव करने के बाद उस जो लाइव वीडियो बन गया उस वीडियो को आपको पब्लिक कर देना। अगर आप लोग पब्लिक नहीं करते हो तो फिर आपका एक भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना यह है कि आपको जो वीडियो आप लाइव कर रहे हो उस वीडियो को आपको डिलीट नहीं करना, सिंपल सा आप लोग को उस वीडियो को पब्लिक कर देना जिससे कि आपको वॉच टाइम बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। कोई भी आप जैसे कि एक कोई भी वीडियो बनाए, कोई भी एक रिलेटेड वीडियो बनाए, जैसे कि कोई भी अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला वीडियो होता, आप क्या करो कि आप एक प्लेलिस्ट बना दो और आपका चैनल पर जितना भी अनबॉक्सिंग रिव्यू या फिर इस तरह का एक रिलेटेड वीडियो है तो आपको एक प्लेलिस्ट बना देना, चाहे वो यूट्यूब अपडेट का प्लेलिस्ट हो या फिर अनबॉक्सिंग रिव्यू का प्लेलिस्ट हो, तो आपको एक प्लेलिस्ट बना देना, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोग का चैनल पर कोई भी आता है व्यूअर, तो एक वीडियो पर अगर आप लोग का क्लिक कर देता है और जितना भी उस प्लेलिस्ट पर वीडियो है, 99% चांस बन जाता है कि आपका हर एक वीडियो को वो वॉच करे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो आप लोगों के साथ चौथा टिप शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आप लोग को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, तो आपको जैसे कि पता होगा कि आप अपना वीडियो पर आई कार्ड आई बटन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वीडियो के चलते चलते भी एक दो आप लोगों को आई बटन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग किसी भी वीडियो का लिंक लगा सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे दिए गए आई बटन पर आप लोग क्लिक करके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करें वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ से भी क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली उस वीडियो को ओपन कर सकते हो, चीज आप लोग कर सकते हो, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे पांचवा जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने वाला वो ये है कि तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि आप लोग अपने वीडियो पर एंड स्क्रीन लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो का एंड होते होते आप लोग दो वीडियो या फिर एक चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन रहता है वो मैं लगा सकता हूँ, या फिर एक वीडियो दो वीडियो, मतलब आप लोग समझ सकते हो यहाँ तक कि चार वीडियो आप अपना जो एंड होते ये वीडियो एंड होते होते आप लोगों को चार वीडियो देखने को मिलेगा। आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, एंड इस ट्रिक का भी आप लोग यूज करके काफी अच्छा खासा वॉच टाइम गेन कर सकते हो। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही होता है, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ चुका। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो के साथ कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर भी जाकर के फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नाम bittumandal.07 या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।